हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आप सबको मसीह में सलाम अर्ज करता हूँ। आपको विनिंग सोल प्रोग्राम में खुश आमदीद और वेलकम करता हूँ। जिस तरह के आप हर रोज़ विनिंग सोल प्रोग्राम देखते हैं और बरकत पाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए खूबसूरत लोगों की खूबसूरत बातें सुनते हैं, और आजकल बहुत सारे लोग आप देखते हैं हमारे हीरोज़ आकर अपनी अपनी जॉब के बारे में शेयर करते हैं, अपने अपने कामों का एक्सपीरियंस आपके साथ बताते हैं, जिससे बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे बेटे और बेटियां, मैं समझता हूं कि उनसे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर होते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी यही कुछ बनना चाहता हूं। तो आज नाज़रीन मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं वो बैंकर्स हैं, बैंक में काम करते हैं और अरसा दराज से वो यही काम कर रहे हैं। हम सारा जलाल सारी इज़्ज़त यीशु मसीह को देता हूँ कि मेरे हीरोज़, मेरी कौम के हीरोज़ बहुत सारे अच्छी अच्छी पोस्टिंग पर हैं, जॉब्स पर हैं और बहुत अच्छे खिदमत कर रहे हैं, अपने मुल्क की भी, अपने लोगों की भी। हम सारा जलाल सारी इज्जत यीशु को देते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, यूज़ ऑफ गॉड मनी, खुदा के पैसे का इस्तेमाल, कि हम खुदा के पैसे का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। और हम खुदा के कलाम में भी देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 25 बाब और 27 आयत में यीशु मसीह ने कहा, पास तुझे लाजम था कि मेरा पैसा साहूकारों को, बैंकर्स को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। मेरे चीज़ों हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये तमसील कही, और आज हम देखते हैं, आज बैंकर से हम उनकी ज़बानी सुनेंगे कि क्या क्या करते हैं। और हमें ये है कि अगर खुदा ने पैसा दिया तो हमें उसे किस तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो इसी तरह नाजरीन आज जो मेरे गेस्ट हैं, सबसे पहले विलियम कैनस साहब हैं, और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अरसा दराज से खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं और टीचर भी हैं, प्रीचर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कंपोज़र भी हैं। और हम इनकी ज़बानी आज सुनेंगे कि ये और बैंक में क्या क्या इनके पास क्या हुनर्स हैं, क्या इनके पास काम है, क्या क्या करते हैं। तो कैनेथ विलियम साहब, हम आपको खुश आमदीद और वेलकम करते हैं विनिंग सोल प्रोग्राम में। इसी तरह नाजरीन मेरी नेक्स्ट गेस्ट है रीना नज़ीर, इनका तल्लक चार्टर्ड बैंक से है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सारा जलाल सारी इज्जत यीशु मसीह को देते हैं। रीना, आपको भी हम वेलकम खुश आमदीद कहते हैं। हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर प्रोग्राम में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह नेक्स्ट जो मेरे गेस्ट हैं, हमारे प्यारे भाई किसी तारुफ के मुताज नहीं है, हर शख्स जानता है, फेमस वन है, इंजीनियर सैडरिक वसीम शाह। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे उहदों पर फायज हैं और खुदा की खिदमत, अरसा दराज से खिदमत में भी काम कर रहे हैं और कैथेड्रल चर्च के मेंबर हैं। और इन्हीं की ज़बानी से मैं इनसे पूछूंगा कि आपके पास कौन कौन से होते हैं, किन किन जगह पर काम किया। तो मैं चाहता हूं कि इन्हीं की ज़बानी से हम इन्हीं से पूछें। आपको वेलकम सैडरिक भाई, आपको दिल की गहराइयों से हम खुश आमदीद कहते हैं। सो ग्रेटफुल, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह नाजरीन जो मेरे नेक्स्ट गेस्ट हैं वो शरून रहमतुल्ला हैं, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके वालिद साहब भी बैंकर थे, नौजवान हैं और आज हमारे साथ हैं। शरून, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। इसी तरह मेरे नेक्स्ट गेस्ट हैं यासर सैमुएल, हम इनको भी खुश आमदीद और वेलकम करते हैं। आप बैंकर हैं, आप सबको खुदा बहुत बरकत दे। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम इनसे बातचीत करें, आएँ अपने सरों को झुकाएं, हम प्यारे भाई सैडक शाह साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे, दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सैडरिक भाई, आप दुआ में लीड करें। सब आप, हम तेरे सामने सरनगू हैं, अब आप इस प्रोग्राम के लिए जा हम सारे इकट्ठे हैं, अब आप हम तेरे आगे आते हैं और शुक्र करते हैं कि हम एज बैंकर्स यहाँ पे तेरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे मौजूद हैं। अब आप जो बातें और जो बातें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं इनक्रेजमेंट के लिए, गाइडेंस के लिए, अब आप तू हमें रहनमाई दे, ताकि हम जो आने वाले बैंकर्स भी हैं, जो नौजवान बैंकर्स हैं, अब हम उनको भी बता सकें कि इस मुल्क में रहते हुए हम किस तरह खुदा की खिदमत भी कर सकते हैं और तेरी खिदमत भी करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और अपने जॉब को भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तेरे ही नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सैडरिक भाई, थैंक यू वेरी मच, खुदा आपको बरकत दे। तो सैडरिक भाई, सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं। मैंने देखा कि आप बहुत सारी जगहों पर आप खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं और साथ आप
बैंक की भी जॉब कर रहे हैं, और कब से आपने बैंक को ज्वाइन किया? थैंक यू वेरी मच जी। मैंने बैंक जी 1987 में पहले हबीब बैंक ज्वाइन किया, और फिर 2010 में मैंने अलाइड बैंक ज्वाइन कर लिया था। और मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, और बैंक में एज ए टेक्निकल असेसमेंट और टेक्निकल फिजिबिलिटीज़ बनाता हूँ, जितने भी लोनिंग होती है बैंक्स की उसके ताल्लुक से मैं जॉब करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जी। असेसमेंट टेक्निकल एवेल्युएशन, ये मेरी जॉब है। तो ब्रदर सैडक, आप इंजीनियर का काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे नौजवान हैं वो भी चाहते हैं कि इंजीनियर बने, और आप इंजीनियर के बनने के बाद आपने बैंक को क्यों ज्वाइन किया? मुझे अच्छा लगा कि एक मुख्तलिफ है। अब जैसे मैं पूरा पाकिस्तान तकरीबन फिरता हूँ, उससे मुझे ये भी है कि मुझे चर्चेस का भी इतफाक होता है, वहाँ पे चर्चेस जाने में, प्लस दोस्त जितने हैं उनको मिलने में, और प्लस मैं अगर कहीं पे मुझे बुलाया जाए तो मैं एवेंजलिज्म का काम भी कर लेता हूँ। दूसरा ये कि बैंक में इस नेचर ऑफ जॉब में रहते हुए मैं टेक्निकल फिजिबिलिटी जब बनाने जाते हैं तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को देखना पड़ता है, मुख्तलिफ लोगों के से मिलना के, मिलते हैं हम उन लोगों से जाके, और पता लगता है कि वो कैसे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, कैसे हमें चक्कर देने की भी कोशिश करते हैं बाज़ लोग, मगर खुदा का फजल है कि हम जो असेसमेंट करते हैं और जो वैल्यूएशन करते हैं उससे बैंक को भी फ़ायदा होता है, और हमारी अपनी इंटेग्रिटी होती है वहाँ पे जी, क्योंकि असेसमेंट एक ऐसी जॉब है कि उसी के ऊपर आपका लोनिंग होती है। जो बैंकर्स यहाँ बैठे हैं उनको पता है कि जो टेक्निकल फिजिबिलिटी बनाई जाती है और जो असेसमेंट की जाती है प्रोजेक्ट में, वही आगे बैंक को लोन करने में मदद देती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको और ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करे। तो सैडरिक भाई, आपको मैंने देखा है कि खुदा ने UET से आपने ये इंजीनियरिंग की, और उसके बाद मैं देखता हूँ आप एक्स वाइस चेयरमैन रहे PFES में। तो आपने इंजीनियरिंग के बाद बैंक को ज्वाइन किया, आज इस जॉब पर आप फाइज हैं, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और मुझे बताएं कि आप किन किन फेलोशिप में और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किन किन में आपने काम किया है, वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं जितनी भी फेलोशिप्स हैं मैं एज ए वॉलंटियर काम करता हूं जी, और अपना टाइम खुदावंद को देता हूं, और मैं लुजैन इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, जो पूरे दुनिया में है, वो उसका पाकिस्तान का कोऑर्डिनेटर हूँ। फिर मैं एक्स वाइस चेयरमैन PFES जो स्टूडेंट्स की मिनिस्ट्री है और स्टूडेंट्स में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में काम करती है, उसका मेंबर भी हूँ अब भी, और वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ बोर्ड का, नेशनल बोर्ड का। उसके बाद फिर मैं प्रिजन फेलोशिप में भी इन्वॉल्व रहा, और तकरीबन 10 साल मैं वहाँ पे एज प्रेसिडेंट काम किया, मगर अभी भी मैं एज मेंबर हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नए लोग आगे आते रहें। हम रिटायरमेंट की हद पे पहुँच गए कि और लोगों को हम मौका देने चाहते हैं। इसी तरह ग्रेजुएट्स की हमारी एक फेलोशिप है, बैंकर्स की हमारी एक फेलोशिप है, और मुख्तलिफ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में भी मैं पीस एम्बेसडर्स में एज ए स्पोर्ट्स एडवाइज़र काम करता हूँ जी, और सारे काम मेरे वॉलंटियर होते हैं। ये प्रेज़ द लॉर्ड, वॉलंटियर आप खिदमत में जी, साथ साथ खिदमत भी करते हैं और साथ जॉब भी करते हैं, और वॉलंटियर लोगों को टाइम भी देते जी। हगाई इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल है जो क्रिश्चियंस को ट्रेनिंग देती है, एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग देती है, मैं उसका भी एंडोर्सर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ब्रदर मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि मैं जॉब भी करता हूं, वॉलंटियर इन सारी मिनिस्ट्रीज में भी खिदमत करता हूं, तो आपको कैसे लगता है? लोग तो समझते हैं एक बैंकर होकर, लोग समझते हैं मुझे क्या मिलेगा, फिर लोग कहते हैं मैं काम करूंगा। आप क्यों फ्री काम करते हैं, क्या आपका अहम होता है कि मुझे क्या इससे हासिल होगा? देखिए जी, ये काम अभी से शुरू नहीं होता, ये काम संडे स्कूल से शुरू होता है। प्रेज़ पेरेंट्स जब भेजते हैं आपको संडे स्कूल में, और आहिस्ते आहिस्ते आप संडे स्कूल के बाद यूथ फेलोशिप्स में जाते हैं, चर्चेज में, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं अटेंड करने, और पेरेंट्स का जब पुश होती है पीछे से कि आपको फ्री हैंड है मगर आप अपनी स्टडीज़ भी पूरी रखें जी, यानी कि जी सिर्फ बाइबल के काम में आगे बढ़े, चर्चेज के कामों में बढ़े, फेलोशिप्स में बढ़े, मगर आपने अपने तरफ से दूसरी तरफ से इंजीनियरिंग या जो भी स्टडीज़ आप कर रहे हैं उसमें अपना काम पूरा रखना है, तो फिर हमारी तरफ से कोई आपको यानी कि वो खींचेंगे नहीं आपको, मगर खुदावंद का काम आप करें और बढ़ते जाएं उसमें, क्योंकि उसको उसी की वजह से हम जिंदा हैं, उसी की बरकत जो मिलती है, आज हम उसी की बरकत की वजह से यहाँ बैठे हैं। मैं हम आपको अप्रिशिएट करते हैं आपकी सारी खिदमात जो आप वॉलंटियर तौर पर कर रहे हैं, और बैंक में भी आप जॉब कर रहे हैं। मेरी दुआ खुदा आपको बढ़ाए और बरकत दे, मल्टीप्लाई करें, हम और भी कंटिन्यू रखेंगे और भी बातें आपसे करेंगे। इसी तरह कैनेथ विलियम्स साहब, आप बड़े अच्छे बैंकर भी हैं
और म्यूजिशियन भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, आप राइटर भी हैं और बहुत सारे गीतों को कंपोज भी करते हैं। तो आप सबसे पहले तो हमें बताएं कि आपके बैंक का क्या नाम है, आप बैंक में क्या करते हैं मेरे नाज़रीन को। थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया यहाँ पर आने का और मेरे शेयर करने का। जिस बैंक में मैं काम करता हूँ वो है अस्करी बैंक लिमिटेड, और वहाँ पे मैं लोनिंग डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ एज एन एरिया मैनेजर। हमारे बैंक में उसको यूनिट हेड कहते हैं, और मेरे पास तकरीबन को 9 ब्रांचेज, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी लोन्स आते हैं जी, बिजनेस लोन्स आते हैं, उनको हम प्रोसेस करते हैं और उनको फिर हम डिस्पर्स करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्री को मोबालाइज करना है बैंकिंग में जो है वो हमारा पोर्टफोलियो है। प्रेज द लॉर्ड। तो ब्रदर, आप लोन के ये सारे प्रोसेस को देखते हैं, आपकी जो जॉब है, तो अगर एक कोई आदमी है बिजनेस के लिए लोन लेना चाहता है तो वो किस तरह ले सकता है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बिजनेस क्या है जी, और हम उसको कंपेयर करते हैं मार्केट से कि इस वक्त उस बिजनेस की रिप्यूट क्या चल रही है, क्या वो मार्केटेबल है, इस वक्त वो अच्छा बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा। फिर उसके बाद उसकी क्रेडिट वर्थीनेस देखते हैं कि ये अब आज हमारा पैसा, देखें बैंकिंग में हम बेसिकली पैसे को डील करते हैं जी, और पैसा एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है सेकुलर वर्ल्ड में भी और रिलीजियस वर्ल्ड में जी। इसका इस्तेमाल जो है बेसिकली वो डिटरमिन करता है कि आप किस किस्म के शख्स हैं जी। तो एज ए बैंक में कुछ लोग हैं जो पैसा देते हैं जी, और कुछ लोग हैं जो उस पैसे को लेकर इस्तेमाल करते जी। हैं, तो बैंक एक इमानत के तौर पर एक उस पैसे को यूटिलाइज करता है। तो ये बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन लोगों ने ट्रस्ट करके हमें पैसा दिया, हम उसको आगे जो यूटिलाइज कर रहे हैं जी। तो ये बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस पैसे को बड़ी ऑनेस्टली और बिल्कुल ठीक तरीके से उसको यूटिलाइज करें। तो इससे पहले कि हम किसी को पैसा दें, ये हमारी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैसा जो हम दें, एक तो वो मल्टीप्लाई हो जी, कौम के लिए वो मज़ीद जनरेट करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, वर्किंग कैपिटल जनरेट करे और सारा कुछ, और फिर साथ साथ उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, और फिर इवेंचुअली वो पैसा बैंक को विद इंटरेस्ट वापस भी मिले। प्रेज द लॉर्ड, विद इंटरेस्ट वापस भी मिले। जिस तरह यीशु मसीह ने भी, मैंने तमसील कही कि मत्ती की झील के बारे में, तो हम देखते हैं कि आपका बैंक भी यही कहता है जी। प्रेज द लॉर्ड। तो विलियम भाई, आपने कब बैंक को ज्वाइन किया? 1988 में जब मैंने एमकॉम किया, तो खुदा ने बड़ा फजल किया कि राइट आफ्टर मैं क्लियरिंग एमकॉम मुझे इमिडिएटली जॉब मिल गई, और जो बैंक मैंने स्टार्ट किया जिससे वो बैंक ऑफ ओमान था, लाहौर में उसकी ब्रांच है, पैनोरामा के साथ हुआ करता था जी, अब आजकल वो सांबा बैंक में मर्ज हो गया, वहाँ से मैंने शुरू किया, और उसके बाद फिर 97 में मैंने अस्करी बैंक ज्वाइन किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। हम और भी आपसे सवाल करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो आप बड़े अच्छे गीत भी गाते भी हैं, लिखते भी हैं, और इसी तरह आपका अपना ऑडियो वीडियो स्टूडियो भी है, तो आप कौन सा गीत चाहते हैं कि नाज़रीन को आपका गीत हम सुनाएं? जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो मैं खुदा के लिए बड़े काम करना चाहता था, तो जब कलाम को स्टडी किया तो पता चला कि पाकरू के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं। तो उस हवाले से एक खुदा ने गीत दिया कि रूह पाक से मामूर कर दे प्यारे यीशु जी, वो मैं चाहूँगा आप लोगों के साथ शेयर करना। तो आए नाज़रीन, प्यारे भाई विलियम कैनेथ का ये खूबसूरत गीत सुनते हैं और बरकत पाते हैं। प्यारे आसमानी बाप, हम दिल से दुआ करते हैं कि हम अपनी आखिरी सांसों तक आपके नाम की खुशखबरी को दुनिया के आखिर तक लेके जाने वाले बने, और इसके लिए हम सिर्फ एक ही चीज आपसे मांगते हैं, और वो है पाखरू की मामूरी। जो तोहफा आपने हमें बख्शा, हमारी ये दिल से दुआ है कि हम हर रोज इससे भरते जाएं। आमीन। जारी हो मुझसे पानी की।
ناظرین، ابھی آپ نے یہ خوبصورت گیت سنا ہے، یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پیارے بھائی ولیم کینتھ کو اور اسی طرح ان کی فیملی کو۔ بھائی ولیم کینتھ، خداوند آپ کو اور زیادہ استعمال کریں۔ ہم کنٹینیو رکھیں گے، سوال بھی کرتے رہیں گے۔ تو اسی طرح ہماری بینکر ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں ارینا بینک کو جوائن کیا؟ بہت ساری بہنیں ہیں، وہ نرسز بنتی ہیں اور ہماری ٹیچر بنتی ہیں، آپ نے بینک کو کیوں چوز کیا؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا۔ ایکچولی بینک کو چوز میں نے نرسنگ کو اس لیے نہیں کیا اور بینکنگ کو اس لیے کیا کہ تھوڑا ڈفرینٹ ہونا چاہیے، ڈفرینٹ ہونا چاہیے، کیونکہ مائنورٹیز میں یہ ایشو ہے کہ ہماری مطلب اویئرنیس اتنی نہیں ہوتی ہے۔ موسٹلی لوگ جو ہے وہ اپنے فیمیلز کو اسٹاف کی طرف وہ کر دیتے ہیں جی، لیکن یہ کہ یا ٹیچر کہتے ہیں، ٹیچرز کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری ایگزیکٹلی ہمارے مطلب یہ مائنڈ کو تھوڑا ابروڈ کرنا چاہیے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب ٹیچنگ ٹھیک ہے اور نرسنگ ٹھیک ہے، اور نرسنگ میں بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھیج دیتے ہیں کہ کوالیفیکیشن یا ایجوکیشن وہ اس طرح کی مطلب نہیں افورڈ کر سکتے جو بینکنگ کے لیے ہوتی ہے، یا نرسنگ میں ہی ہوتا ہے کہ ان کو اسٹائپنڈز بھی مل جاتے ہیں اور وہ نرسنگ بھی ایک ان کی اپ گریڈ کر لیتی ہیں، ہم خود کو مطلب ایک جاب لگ جاتی ہے۔ تو میرا یہ تھا کہ ایکچولی میرا شروع سے ہی تھا کہ میں بینکنگ سیکٹر میں جاؤں، ایک میری وش تھی، اور تھینکس ٹو گاڈ کہ میری فیملی نے مجھے اس کے لیے بہت سپورٹ کیا اور میں نے جو ہے 2008 میں جو ہے بینک جوائن کیا۔ تو اب آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ بینک میں کام کر رہی ہیں،
और बैंक भी बड़ा अच्छा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है आपका। हाँ जी, तो आपको कैसा फील होता है, आप जो नौजवान बेटियां हैं आपको मिलती हैं वो क्या कहती हैं? एक्चुअली मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे बहुत अच्छी एक जॉब दी है और एक अच्छा स्टेटस दिया है, एक अच्छी मतलब क्वालिफिकेशन दी है, और बहुत अच्छा फील होता है कि आप जब कहीं जाते हैं और कोई आपको कहता है कि ये बैंक में जॉब करती हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बैंकिंग सेक्टर में भी मिलती है और एज वेल एज आपकी फैमिली में, आपके मिलने जुलने वालों में भी आपको बहुत इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अरीना, आप जो नौजवान बेटियाँ हैं जो जो चाहती हैं अभी एग्ज़ाम दिए हुए हैं वो आगे चाहती हैं कि कोई, बहुत सारी बेटियाँ हैं जो चाहती हैं कि शोबे को चूज़ करना चाहती हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं, उनको बैंकर बनना चाहिए, उनको भी बैंक की जॉब में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप हमारी नौजवान बेटियों को क्या कहेंगी? एग्जैक्टली आना चाहिए, हमारी न्यू जनरेशन में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उन लोगों ने अपने फ्यूचर को किस तरह से मेंटेन करना है। बैंकिंग सेक्टर में मतलब हमारी माइनॉरिटीज़ में ये कि बहुत कम फीमेल्स होती हैं, इवन मेरी, मैं बताना चाहूँगी, मेरी फैमिली में से भी कोई नहीं थी, मुझे भी थोड़ा शुरू में इशू हुआ था कि मतलब जॉब के लिए घर वाले भी परमिशन नहीं देते थे, लेकिन अब ये कि खुदा का शुक्र है मेरे घर वाले भी सेटिस्फाइड हैं, वो खुश भी हैं क्योंकि मैंने अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन, अपनी स्टडी जो कम्प्लीट की है वो जॉब के साथ साथ की है जी। और मैंने मतलब यही मेरा पैगाम है कि न्यू जनरेशन में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए और उन्हें बैंकिंग सेक्टर में फीमेल्स को भी आना चाहिए, फीमेल को भी एग्जैक्टली आना चाहिए, क्योंकि मतलब ये एक अच्छी जॉब है फीमेल्स के लिए और फीमेल्स को भी पूरी रिस्पेक्ट मिलती है, मतलब ऑफिशियल एनवायरमेंट्स भी अच्छे हैं जी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाज़रीन, जैसे कि खुदा की बंदी ने आप तमाम नौजवान बेटे और बेटियाँ जो भी स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको इनक्रेज करना चाहता हूँ कि आप भी, बेटियां बैंकर बन सकती हैं, अच्छी जॉब है, कि हम खुद अच्छे हों तो हर चीज़ ही हमें अच्छी लगती है। मैं देखता हूं कि एक दफ़ा वालदेन ये सोचते हैं फ़लाँ जगह पर बेटी काम नहीं कर सकती या बेटा काम नहीं कर सकता, मेरे जी तो ये लोग कहते हैं, लोग अपना ख्याल बना लेते हैं फ़लाँ जगह अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंसान खुद अच्छा हो तो हर जगह अच्छी होती है, लेकिन आपको ये नौजवान बेटियों को कहना चाहता हूँ, अगर ये बेटी बैंकर बन सकती है तो आप क्यों नहीं बन सकती? आपको भी इनकरेज करना चाहता हूँ, आप स्टडी करें और आप भी मेहनत करें और आप भी अच्छी बैंकर बन सकती हैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, तो आप ज़रूर बैंक के शोबे को ज्वाइन करें, ये बहुत अच्छा शोबा है जिसमें हम देखते हैं कैनेथ विलियम साहब का नाम है, सेड्रिक भाई का नाम है, और इसी तरह शरून बेटा है, आज हमारे साथ यासर को हम देखते हैं कि ये सारे इन्होंने मेहनत की और आज इस मुकाम पर हैं, तो आप भी बन सकते हैं। तो इसी के साथ नाज़रीन, शॉर्ट ब्रेक लेता हूँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं विनिंग सोल।